हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे E9। रूल वन हो गया था, एंड रूल वन का जो एग्जांपल है E9, वो यहाँ पर दिया गया है। तो रूल वन जो है, ये क्या है, हम देख लेते हैं यहाँ से। रूल वन जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑब्टेन बाय इंस्पेक्शन, ठीक है ना। इधर उधर करके हमें देखना होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, तो उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें यहाँ पर करना है। तो E91 क्या करेंगे, यहाँ पर y इंटू दिया गया है 2yx प्लस ई पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है एंड वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ से ही कर लेते हैं। तो 2y² x है एंड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई है, और यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर भी डी एक्स है, माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखिए, ई टू द पावर एक्स डी एक्स यहाँ पर डेरिवेटिव है ई टू द पावर एक्स का, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई, इन दोनों का डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2y² x डी एक्स एंड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए, 2x dx हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/y² से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर y² से डिवाइड करेंगे, तब ये एक फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग या फिर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 1/y², वी गेट। मल्टीप्लाई करेंगे 1/y² से और डिवाइड करेंगे y² से, सेम चीज है। तो 2x dx एंड प्लस ई टू द पावर एक्स वाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स वाई इंटू 1/y² एंड माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/y² डी वाई इक्वल्स टू जीरो। जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो 2x dx एंड प्लस, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पर क्या है, 1/y है, और 1/y का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर है 1/y² डी वाई, और माइनस ई टू द पावर एक्स यहाँ पर है और 1/y² डी वाई है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और 2x dx, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। डी ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ई टू द पावर एक्स है, ठीक है ना, ई टू द पावर एक्स है और क्या है, 1/y है, और -1/y² जो है 1/y का क्या है, डेरिवेटिव है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 2x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन डी ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1/y एंड दिस इज इक्वल टू सी। सी इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आई सी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x² / 2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² एंड प्लस ई पावर एक्स इंटू 1/y मतलब ई टू द पावर एक्स बाई वाई, दिस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है ना। तो सी क्या इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है, ये आ गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9-2, E9, देखिए E92, y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस ln x dx इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस ln x dx, ln x dx को हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो y dx एंड माइनस एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले आएंगे माइनस ln x dx। तो माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, क्योंकि यू वाई वी से हमें करना है। और अब अगर हम डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर लेंगे, है ना, तो मतलब वी इंटू यहाँ पर डी यू होता है ना पहले, माइनस यू इंटू यहाँ पर डी वी होता है, तो वी के जगह पर यहाँ पर वाई है, और वाई से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसीलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ln x dx आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1/x² वी गेट, क्या मिल जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई x² दिस इज इक्वल्स टू ln x / x² इंटू डी एक्स, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो आ गया ये क्या है डी ऑफ, यहाँ पर क्या आ गया ये आई एफ जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई जिससे करना होता है हमें वही आई एफ होता है, ये हो रहा है डी ऑफ वाई बाई एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू ये एल एन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर है इन टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी ऑफ वाई बाई एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वाई बाई एक्स आ गया एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रेशन एल एन एक्स इंटू वन बाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे तो यह हो रहा है हमारे पास एल एन एक्स को हम क्या कर लेंगे फर्स्ट इंटू यहाँ पर ये सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एल एन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब वन बाई माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा एंड एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब वन बाई एक्स माइनस ऑफ वन बाई एक्स है ना इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू एल एन एक्स एंड माइनस वन बाई एक्स एंड माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस एल एन एक्स बाई बाई एक्स एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स एंड प्लस सी, सी इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आई सी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स एंड इसको प्लस इस साइड में ले आएंगे वाई बाई एक्स वन ये आ गया तो प्लस वन एल एन एक्स बाई एक्स एल एन एंड प्लस वन बाई एक्स दिस इज इक्वल्स टू सी और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई प्लस एल एन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू सी एक्स, ये है आंसर, ठीक है ना। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9C। नाइन सी क्या है देखिए एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पर क्या आ जाएगा इससे क्या करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई डी एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई एंड प्लस थ्री एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वही गेट क्या मिल जाएगा हमें एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर वन बाई वाई एंड यहाँ पर डी एक्स है एंड फिर माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स डी एक्स एंड माइनस एक्स का स्क्वायर है तो एक्स बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई है एंड माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा थ्री बाई वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो और डी एक्स को इस साइड में लेंगे और डी एक्स डी वाई देखिए इसका जो डेरिवेटिव है ये यहाँ पर है और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर है तो वन बाई वाई डी एक्स एंड माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये डी ऑफ आ जाएगा वन बाई वाई एंड एक्स एंड माइनस यहाँ पर टू बाई एक्स डी एक्स करेंगे एंड प्लस थ्री बाई वाई डी वाई दिस इज इक्वल्स टू जीरो और देखिए यहाँ पर डी ऑफ आ जाएगा एक्स बाई वाई एंड माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा टू इंटू डी एक्स बाई एक्स एंड प्लस थ्री इंटू डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू जीरो, इंटीग्रेट करेंगे डी ऑफ एक्स बाई वाई इंटीग्रेशन माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स एंड प्लस थ्री इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू जीरो और मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेना है एक सी सी इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आई सी, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स बाई वाई एंड माइनस यहाँ पर क्या है टू इंटू लॉग एक्स एंड प्लस थ्री इंटू लॉग वाई
and this is equals to c, c equals to i c, ठीक है ना। तो ये है आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रूल टू के बारे में बात करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।